नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ Redmi Note 11 Pro Plus मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक कैसे लगाएंगे। दोस्तों इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल में सेटिंग को ओपन कर लेना है, और सेटिंग ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे जाना है, और नीचे जाने के बाद यहाँ पर आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्क्रीन लॉक पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने जो भी स्क्रीन लॉक, पिन, पासवर्ड, पैटर्न लॉक जो भी बनाया है वो यहाँ पर डाल देना है। और डालने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे टर्न ऑफ स्क्रीन लॉक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। और ओके पर क्लिक करने के बाद ये आपका स्क्रीन लॉक रिमूव हो जाएगा, यानी कि आपके मोबाइल में कोई भी स्क्रीन लॉक नहीं लगा होना चाहिए, पिन पासवर्ड लॉक कोई भी नहीं लगा होना चाहिए। और ये स्क्रीन लॉक रिमूव करने के बाद आपको यहाँ से डायरेक्ट कट कर देना है। और कट करने के बाद आपको अपने मोबाइल में थीम नाम से एप्लीकेशन मिल जाएगी दोस्तों, उसको ओपन कर लेना है अपने मोबाइल में। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च बार मिल जाएगा, यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक कर देना है। और सर्च बार पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है Codecs UI। यहाँ पर अपना सर्च कर लेता हूँ Codecs UI, और Codecs UI सर्च करने के बाद यहाँ पर आपके सामने ये जो फर्स्ट नंबर पर थीम्स आएगी उसको यहाँ से ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको ये अपने मोबाइल में थीम्स डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपने मोबाइल में पहले से डाउनलोड करके रखा है। और डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कर देना है। और अप्लाई पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको गोइट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पर गोइट पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद ये आपके मोबाइल में थीम्स अप्लाई हो जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल में सक्सेसफुली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लग जाएगा। और अपने मोबाइल में दिखा देता हूँ हमारे इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा है या नहीं। मैं यहाँ से अपना डायरेक्ट कट कर देता हूँ, और कट करने के बाद यहाँ से मैं अपना स्क्रीन ऑफ करता हूँ। और ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं अपना स्क्रीन फिर से ऑन करता हूँ। और ऑन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट लॉक लग आ गया है। यहाँ से मैं जैसे अपना फिंगर टच करूँगा ये हमारा मोबाइल अनलॉक हो जाएगा। दोस्तों इस तरह से आप Redmi Note 11 Pro Plus मोबाइल में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगा पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो से सही जानकारी मिली हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।